एक और खास सेगमेंट आपकी स्क्रीन पर आने को तैयार, और ये है हमारा पावर प्ले सेगमेंट। और इस वक्त हमारे साथ दो और खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, कुणाल जी और नुरेश जी। नुरेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नुरेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताएं आज आपकी नजर क्या है और क्या होगी आपकी रिकमेंडेशन। सबसे पहले बाय रहेगा ओएनजीसी पर, जहां पे एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है 175-180 की। अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ है, लास्ट कुछ दिनों से व्यू यह है कि यहां से लॉन्ग टर्म तेजी हो सकती है। शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 190 का, स्टॉप लॉस होगा 165। दूसरा भाई है जुबिलेंट फूड्स पर, जहां पे फाइनली 6 to 8 months का एक हाई क्रॉस हुआ है 505-515 जोन का, स्टॉप लॉस होगा 505, टारगेट होगा 550 का। ठीक है, जुबिलेंट फूड 4.5% ऊपर 550 के लेवल्स के लिए आप अभी भी यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। कुणाल, आपके दो पिक्स कौन से होंगे? तो दो बाय कॉल रहेंगे यहाँ से। एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट में थोड़ा सा बाउंस शायद सस्टेन हो सकता है आने वाले कुछ एक दिनों के लिए। तो पहला बाय रहेगा वोल्टास पे, जिसमें पहले भी बुलिश रह चुका हूँ, 810 के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। मेरा मानना है कि मोमेंटम और ट्रेंड्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और परसिस्टेंटली मेंटेन हुई है वोल्टास में, तो इसमें मैं बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। 830 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 805 का। अपोलो टायर्स, टायर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी मोमेंटम आई है। अपोलो टायर्स में भी एक शॉर्ट टर्म स्विंग ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पर भी बाय कॉल रहेगी। 450 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 429। ठीक है, तो अपोलो टायर्स और वोल्टास, ये रिकमेंडेशन आती हुई कुणाल जी की तरफ से। अब चलिए अपने बाकी दोनों एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं, और मंदार जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताएं आपकी सलाह क्या होगी? देखिए पहला स्टॉक है गति, 149 का एक रेजिस्टेंस इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म चार्ट पे बना हुआ था, वो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला है, तो लगता है कि ये मूव कंटिन्यू होगी शॉर्ट टर्म में, तो इसलिए इसमें एक बाय बनेगा। 146 का स्टॉप लॉस होगा, 166 का टारगेट होगा। और दूसरा स्टॉक है रेलीगेयर, रेलीगेयर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन बन रहा है चार्ट पे, प्लस आज शॉर्ट टर्म चार्ट पे 180-186 का रेजिस्टेंस जो है ब्रेक करके ऊपर चला है, तो इसमें एक बाय बनेगा। 176 का स्टॉप लॉस होगा, 210 का टारगेट होगा। ओके, तो 210 के टारगेट के लिए रेलीगेयर में खरीदारी की सलाह, और गति में 166 के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय का फिर जो भी स्टॉक्स अभी हमने शो के दौरान डिस्कस किए, उसके अलावा क्या कुछ और भी स्टॉक्स आ रहे हैं आपके रडार पर? वैसे तो एक तो सीमेंट का काउंटर मेरे ध्यान में आ रहा है। सीमेंट सेक्टर अभी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म रहा हुआ है, लेकिन उस अंडर परफॉर्म की वजह से काफी सारे स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे आ गए हैं, तो वहां पे मेरा एक चुनिंदा शेयर दालमिया भारत का रहेगा, क्योंकि इसके हम काफी टाइम से जो इसकी अपवर्ड स्लोपिंग चैनल थी, तो वो उसके लोअर बैंड पे आ गया है। मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, प्रीवियस बेस का भी सपोर्ट है, और पिछले 3-4 दिनों से हमें कुछ एक अपसाइड मोमेंटम भी देखने मिल रही है, तो मुझे लगता है कि दालमिया भारत में यहाँ पे एक अपसाइड टिक आना चाहिए। 1093 के लेवल पे अभी चल रहा है, तो 1950 का इसका एक स्टॉप लॉस मान के हम चल सकते हैं, क्योंकि वो उसका इमीडिएट बेस रहा हुआ है, और ऊपर में जो उसके अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल रहे हैं वो कहां ना कहां पे 2120 के यहां पे इसके अपसाइड पोटेंशियल बनती है, तो दालमिया भारत सीमेंट सेक्टर से एक व्यू बनता है पॉजिटिव और बाय के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है, और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने कुल 8 जो हैं उनकी ओर से रिकमेंडेशन आई, और यहाँ पर आप नजर रख के बेहतर कमाई के मौके बना सकते हैं।